Hello friends, I am Dr. Mahesh Chudasama from Mechanical Engineering Department, Government Engineering College, Dahod. Today we are going to see about student startup and innovation policy 2.0, that is second phase is started. You can see at the bottom, the starting date is 11 January 2022 up to 31st March 2027. So it is a 5-year program and it is the initiative of Government of Gujarat. I'm welcoming you, all of you, on behalf of Student Startup and Innovation Cell, Government Engineering College, Dahod. Today we are going to see about what are the various provisions in SSIP 2.0, that is second phase of Student Startup and Innovation Policy. So if you see, the vision is to empower the young population of the state to unlock their creative potential through startup and innovation so as to enable them to contribute for sustainable development and inclusive growth towards the realization of Atmanirbhar Bharat. So all of you know the importance of startup in modern days. So jo government of Gujarat, in line with government of India, jo Bharat Sarkar hai, wo bhi startup और इनोवेशन पर जोर दे रही है. सिमिलरली जो गुजरात सरकार है वो भी जो स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए जो भी बन सकता है वो उसको प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं. तो दिस पॉलिसी ऑफ स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी इज फॉर द अल्टीमेट गोल इज़ टू मेक रियलाइजेशन ऑफ आत्मनिर्भर गुजरात एंड इन टर्न इट विल बी फॉर आत्मनिर्भर भारत. तो उसके लिए जो जो भी कदम उठाने पड़ते हैं तो उसके लिए देर आर वेरियस मिशंस लाइक स्टूडेंट सेंट्रिक इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन इकोसिस्टम अक्रॉस द एकेडेमिया एंड एस्टैब्लिश एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन लाइक स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज. तो इन फंक्शनल इंक्यूबेटर्स है वो डेवलप करना है. इंटरनल कैपेसिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बिल्डअप करनी है. कॉमन रॉबस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करना, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स एंड इनोवेटर्स फॉर दिस SSIP एक्टिविटीज़, नर्चर द एवोल्यूशन ऑफ गुजरात स्टार्टअप इकोसिस्टम. सो देर आर वेरियस मिशन स्टेटमेंट्स बाय अचीविंग विच वी कैन गेट द विजन. नाउ व्हाई दिस पॉलिसी इज देयर, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एज अ स्टूडेंट इज व्हाई दिस पॉलिसी इज देयर, बिकॉज इट हैज सीन दैट जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि हमारी कॉलेज है या फिर जो स्कूल्स है, वहाँ पर जो स्टार्टअप और इनोवेशन का जो माहौल होता है वो इतना पैट्रोनेज उसको नहीं दिया जाता है. तो जो स्कूल का नॉलेज है या कॉलेज का नॉलेज है उस पर ज़्यादा जोर देते हैं. तो क्या होता है, स्टूडेंट्स के माइंड में तो कई सारे आइडियाज़ आते हैं, वेदर इट इज़ इन स्कूल और इट इज़ इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़. तो वहाँ पर वो जो आइडियाज़ आते हैं वो क्या होता है, दे आर बेसिकली डाइंग डाउन एट अर्ली स्टेजेस. ऑलमोस्ट 80% आइडियाज़ आर डाइंग डाउन जब वो स्कूल या कॉलेज में होते हैं. तो माइंड बहुत डेवलप्ड होता है, मतलब एक्टिव होता है, और वहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप एंड इनोवेशन. बट नियरली 80% ऑफ दिस सच आइडियाज़ आर डाइंग डाउन बिकॉज दे आर नॉट हैविंग सच एनवायरमेंट, दे आर नॉट हैविंग सच पेट्रोनेज एट द स्कूल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज. तो जैसे हम देखें, आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जो स्कूल डेज होते हैं, कॉलेज डेज है, उसमें एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, लेकिन उसमें से वेरी फ्यू बिकम स्टार्टअप ड्यू टू लैक ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मतलब क्या है कि जो भी आइडिया है उसको नर्चर करके, जो सीडिंग स्टेज है, मतलब एक जो सीड होता है वो डेवलप होके पूरा एक वृक्ष बनता है, ट्री बनता है. तो उसके दी ये डेवलपमेंट करने के लिए जो एनवायरनमेंट पूरा होता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं. तो स्टार्टअप में भी ऐसी इकोसिस्टम, स्टार्टअप को ग्रोथ करने के लिए ऐसी इकोसिस्टम नहीं होती है, ऐसा हैंड होल्डिंग्स नहीं होता है. उसकी वजह से ये जो थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ है ये डाई डाउन करें. तो फर्स्ट फेज में SSIP 2017 में लॉन्च हुआ था टू नर्चर दीज आइडियाज एंड डेवलप द स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम इन द स्टेट ऑफ गुजरात.
तो ये SSIP पॉलिसी है उसके अंडर बेसिकली क्या होता है? तो जैसे अभी स्टूडेंट एज में माइंड में कोई आइडिया आता है तो उसको माइंड टू मार्केट तक ले जाने के लिए वेरियस सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड दी सपोर्ट इज प्रोवाइडेड थ्रू वेरियस इंटरवेंशंस ऑफ SSIP दैट इज स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। तो जैसे माइंड में आइडिया आता है, कुछ आपको आइडिया आता है तो उसके रिलेटेड नॉलेज उसको आइडेंटिफाई करना है, उसमें क्या इनोवेशंस है वो भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपके माइंड में जो आइडिया है वो आप प्रेजेंट करते हो टू द फैकल्टीज, टू द मेंटर्स, एंड दे विल आइडेंटिफाई, दे विल गिव यू द नॉलेज रिक्वायर्ड टू नर्चर दिस आइडिया, और वेदर इट इज़ इनोवेटिव और नॉट दैट इज ऑल्सो मेंटरिंग विल बी प्रोवाइडेड बाई द SSIP सेल ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और द स्कूल। नाउ ये आइडिया तो आपको आ गया, नाउ उसको अब आगे ले जाने के लिए आपको कई तरह के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार आप आइडिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको कई तरह के सपोर्ट चाहिए, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी, टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी चाहिए, मैनेजरियल सपोर्ट भी चाहिए और मॉरल सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि कई जो स्कूल या कॉलेज के दिनों में आपके आइडियाज़ को डीमोटिवेट करने वाले भी होते हैं कि ये सब करके आप क्या कर लोगे। तो आपको मॉरल सपोर्ट भी चाहिए, उसके साथ साथ फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भी आपको चाहिए। तो दिस विल बी प्रोवाइडेड थ्रू SSIP। तो कैसे ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा वो हम लेटर ऑन देखेंगे। टेक्निकल मेंटरिंग जो आपके टीचर्स है या फैकल्टीज है वो आपको जो भी टेक्निकल आपके आइडिया को डेवलप करने के लिए जो भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और मेंटरिंग सपोर्ट आपको मिल सकता है। उसके बाद एक बार आपका आइडिया जो है उसको आप एक कोई प्रोटोटाइप बना लेते हो, प्रोटोटाइप इन द सेंस प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, एक छोटा सा मॉडल आप बनाते हो आपका जो कंसेप्ट है, आइडिया है, उसको प्रूव करने के लिए। तो उसके बाद आप उस आइडिया को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत आइदर पेटेंट कर सकते हो, डिज़ाइन पेटेंट या कोई भी, और जो आपकी आइडिया के रिलेटेड आपका आइडिया या इनोवेशन आपने जो किया है, डेवलप किया है प्रोडक्ट, उसको आप IPR के लिए रजिस्टर करना हो, उसका प्रोटोटाइप बनाना हो, उसको प्रोडक्ट तक ले जाना है और फिर उसमें प्रोडक्ट का स्टार्टअप बनाना है, तो उसके लिए जो वेरियस सपोर्ट आपको चाहिए दैट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू दी SSIP पॉलिसी। नाउ एक बार आप स्टार्टअप शुरू कर दे तो उसके बाद देर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस स्टार्टअप। तो यहाँ तक आइडिया से आप प्रोडक्ट तक जाते हो, प्रोडक्ट से स्टार्टअप तक, स्टार्टअप से अब आपको आगे जाना है ब्रांड बिल्डिंग, उसके बाद वो जो सक्सेस स्टोरीज आप बनाते हो, मतलब आपने आपका जो आइडिया है वो सक्सेसफुली एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उसको ग्रोथ, जो स्टार्टअप है उसका ग्रोथ, उसके लिए देर आर वेरियस प्रोविजंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो सारी स्कीम्स है उस तक आपको ले जाना, उस मतलब वो जो स्कीम्स है उसके लिए अप्लाई करना, वो ग्रांट लेना, वो सब के लिए जो हैंड होल्डिंग सेशंस है वो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के तहत आपको मेंटरिंग के रूप में मिलेंगे। तो जो आपका जो आइडिया है उसको माइंड से मार्केट तक ले जाने के लिए ये सारे SSIP के अंडर आपको सपोर्ट मिलते हैं। तो मेजर जो हम इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल या कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल, टेक्निकल सपोर्ट और मेंटरिंग थ्रू आउट दिस विल बी प्रोवाइडेड। कैसे, लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो हाउ यू आर गोइंग टू गेट सपोर्ट, सो द इंस्टीट्यूट विल कॉल फॉर द प्रपोजल्स, कि आपका जो आइडिया है उसको आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलप करना है तो आप अपने प्रपोजल्स सबमिट करिए। नाउ हाउ टू प्रिपेयर दैट प्रपोजल, जैसे आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग है उसमें कोई एक प्रोजेक्ट आपने सोचा है और आप उसका मॉडल बना रहे हो, तो उसको आप कैसे आगे ले जा सकते हो उसके लिए हैंड होल्डिंग सेशंस करेंगे, और आप जो POC ग्रांट के लिए अप्लाई करते हो उसके लिए आपको गाइडेंस मिलेगा, एंड देन ऑल दोज एप्लीकेशंस विच आर डन विल बी स्क्रीन्ड। स्क्रीनिंग मतलब एक आपका प्रेजेंटेशन होगा और प्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स, दे विल स्क्रीन द एप्लीकेशन, एंड इफ़ द आइडिया दैट यू हैव प्रेजेंटेड इट इज़ हैविंग पोटेंशियल ऑफ
इनोवेटिव और इनोवेशन एंड विच में लीड टू स्टार्टअप, तो ऐसे आइडियाज़ को हम प्रोत्साहित करेंगे और उनको ग्रांट देने के लिए सैंक्शन करेंगे। सो सैंक्शनिंग हो जाने के बाद आप उस प्रोडक्ट या आइडिया पे वर्क करेंगे और उसके लिए आपको जो भी ग्रांट चाहिए, मनी, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, दैट विल बी गिवन। तो जो सैंक्शन हुए हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को विल गिव दी ग्रांट, और आपको वो जो ग्रांट जैसे जैसे आप यूटिलाइज करते जाते हो आपको उसका ग्रांट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना है थ्रू योर मेंटर। तो ये सारे स्टेजेस है, उसमें आपको जो करना है, जैसे करना है, कैसे करना है, उस सब के लिए आपको यू विल गेट दी मेंटरिंग एट ऑल दिस स्टेजेस। नाउ व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ SSIP 2.0? सो एज सच गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्पेंड ऑलमोस्ट 500 करोर्स टू सपोर्ट स्टूडेंट इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स एट अर्ली स्टेज। हॉरिजॉन्टल इंक्लूजन ऑफ ऑल स्ट्रीम्स अक्रॉस द एकेडेमिया, मतलब ये पॉलिसी ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए या कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको ये ग्रांट मिल सकती है। एंड वर्टिकल एक्सटेंशन लाइक स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज। इट इज़ टारगेटेड टू सेंसिटाइज ऑलमोस्ट 5 मिलियन, 50 लाख के करीब स्टूडेंट्स को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अवेयर करना है। तो जैसे अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। कवर 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड 10,000 स्कूल्स। सेटअप प्री इंक्यूबेशन एफर्ट्स अक्रॉस 500 इंस्टीट्यूट्स। तो हमारे यहाँ जो हमारी कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दाहोद, यहाँ पर प्री इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ है जिसका आप लाभ ले सकते हो। IP और पेटेंट फाइलिंग के लिए फाइनेंशियल ग्रांट भी मिल सकती है, दैट विल सी लेटर ऑन। सो ये जो SSIP 2.0 के सेलिएंट जो टारगेट्स है, सेलिएंट फीचर्स है, दैट वी हैव सीन। नाउ व्हाट आर दी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 5 मिलियन स्टूडेंट्स को आउटरीच करना है, 5000 IP फाइलिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, नर्चर 1000 स्कूल स्टूडेंट्स लीड इनोवेशंस, 1500 स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड अपस्केल एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स। तो ऐसा नहीं है कि जो नए आइडियाज़ है उसको ही प्रमोट करना है, जो अभी स्टार्टअप जो डेवलपिंग फेज़ में है उसका ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी ये जो SSIP पॉलिसी है वो वर्क करती है। इनक्यूबेट 500 स्टार्टअप फिजिकल और वर्चुअल, सपोर्ट टू 500 स्टार्टअप अंडर स्टार्टअप सृजन सीड सपोर्ट, जो 10 लाख रुपए तक की ग्रांट मिल सकती है, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप है या फिर जो जिनका प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप हो गया है और उनको स्टार्टअप बिल्टअप करना है तो उनको ये सृजन सीड सपोर्ट मिलेगा iHub थ्रू, विच इज़ अप टू 10 लाख, विच इज़ अ वेरी हैंडसम अमाउंट। नाउ एलिजिबिलिटी फॉर स्कूल्स, तो ये स्कूल के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि वो गुजरात में होनी चाहिए, उसका प्राइम जो रिक्वायरमेंट है इट शुड बी इन गुजरात, और इट शुड बी गवर्नमेंट ग्रांटी एड और प्राइवेट, एनी स्कूल विच इज़ बेस्ड इन गुजरात विल गेट दी ग्रांट। नाउ व्हाट अबाउट दी एलिजिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल बेनिफिशियरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस लाइन, एनी पर्सन अप टू एज ऑफ 35 ईयर्स, तो जो पर्सन है उसकी एज 35 साल से कम है, ऐसे स्कूल स्टूडेंट ऑफ फाउंडेशनल, प्रोपराइटरी, प्रेपरेटरी, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी लेवल, मतलब अप टू 12th क्लास में कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा हो, डिप्लोमा, वोकेशनल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल स्टूडेंट्स और एलमना, एलमनस, एनी ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो कोई भी पर्सन जो स्टूडेंट हुआ है या स्टूडेंट था जिसने अभी पढ़ाई छोड़ दी है लेकिन उसकी एज 35 साल से कम है, तो वो जो है ये पॉलिसी का बेनिफिट ले सकता है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज नॉट देयर इन द SSIP पॉलिसी 1। फर्स्ट फेज में ऐसा नहीं था, फर्स्ट फेज़ में ये था कि 5 साल एलमनी होना चाहिए, मतलब उसने जो कम्प्लीशन किया है उसका 12th स्टैंडर्ड या फिर ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके 5 साल तक वो ये बेनिफिट ले सकता था, लेकिन वो 5 ईयर्स का जो टेन्योर था वो रिड्यूस कर दिया है, मतलब उसको निकाल दिया है और एज लिमिट डाल दी है। सो इट इज़ वेरी
हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूट लेवल पर ये जो फंड मिल रहा है उसको आप आईपी फाइलिंग के लिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए और अदर इनोवेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए कर सकते हो। तो आपको जब ये POC और प्रोटोटाइप सपोर्ट का ग्रांट का सेंक्शन ऑर्डर मिल जाता है उसके 45 टू 60 डेज में आपको पैसा भी मिल जाएगा। सो दीज आर दी इंटरवेंशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन एट इंस्टीट्यूशन लेवल। सो स्टूडेंट्स आपको इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नाउ एज एन इंडिविजुअल बेनिफिशियरी आप का रोल क्या होगा? तो आपको एक बार ग्रांट मिल जाती है उसके बाद आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, सर्विसेज रिक्वायरमेंट है वो करनी है और उसके लिए जो भी प्रोसेस है फाइनेंशियल प्रोसेस वो आपको करनी है। मेक बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स टू ट्रांसलेट द आइडिया इनटू सक्सेसफुल इनोवेशन और एंटरप्राइज। एक्नॉलेज द रिसीप्ट ऑफ द पॉलिसी सपोर्ट इन देयर सक्सेस जर्नी। तो ये जो आपका रोल है, आपको आपके आइडिया को नर्चर करना है, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और मेंटरिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आपको आपका जो माइंड है उसको चलाना है, बाकी जो आपके आइडिया को नर्चर करने के लिए जो भी इकोसिस्टम इसके आजू बाजू जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको SSIP पॉलिसी के थ्रू कोई भी इंस्टीट्यूट से मिल सकता है। तो ये यूनिवर्सिटी के लिए बजट एलोकेशन है। इंडिविजुअल बेनिफिशियरी जो है उनको आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेंगे? एक्सपोजर टू टिंकरिंग लैब, इनोवेशन लैब एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स। मतलब आपका जो आइडिया है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी फैब्रिकेशन करना पड़े या जो भी टेक्निकल वर्क रिक्वायरमेंट है उसके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ आपको टिंकरिंग लैब या इनोवेशन लैब या जो भी इंक्यूबेशन सेंटर्स अवेलेबल है वहाँ पर मिलेगी। जैसे कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दाहोद में आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। लार्ज स्केल सेंसिटाइजेशन इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक माइंडसेट। तो आपने आपको कोई एक ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ की आपका जो POC डेवलप करना है उसके रिलेटेड वो प्रोग्राम है। जैसे कि आपको कोई एक प्लेटफॉर्म डेवलप कोई प्लेटफॉर्म पे ऐप डेवलप करना है और उस ऐप के रिलेटेड कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हो और उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है या फिर जो ट्रैवलिंग फीस है वो आपको मिल सकती है। बट देन देर विल बी सर्टन स्क्रूटिनी एंड सर्टन प्रोसेस विल बी देयर, थ्रू दैट यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन सच एक्सपोजर इवेंट्स। देन कलेक्टिव कम्युनिटी लेवल सपोर्ट सिस्टम एंड एक्टिविटीज़। तो जो आपको मैंने मेंटरिंग के बारे में बोला, ये मेंटरिंग आपको अलग अलग स्टेजेस पर जो अलग अलग मेंटरिंग रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी मिलेगी। स्कूल स्टूडेंट्स है उसको एक POC के लिए मैक्सिमम 20,000 तक मिलेंगे और हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मतलब जो कॉलेज में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स उनको POC या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए 2.5 लाख तक सपोर्ट मिलेगा। फिर आपको कोई पेटेंट फाइल करनी है, कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है या ऐसी IP रिलेटेड जो भी प्रोसेस करनी है तो उसके लिए आपको आपका जो भी खर्च होता है उसका 100% आपको मिलेगा। तो यहाँ पर IP सपोर्ट के लिए जो पेटेंट आपको फाइल करनी है डोमेस्टिक पेटेंट के लिए आपको 75,000 तक मिलेगा और PTC या जो अदर कंट्रीज़ में आप जो आपको अगर पेटेंट फाइल करनी है देन 1.5 लाख तक आपको एक पेटेंट के लिए मिल सकता है। कॉपीराइट फाइल करने के लिए 8,000, ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए 12,500, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स जो ट्रेडमार्क होते हैं उसका इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए 12,500, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के सॉरी इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स के लिए 50,000, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए 9,000, प्लांट वेराइटी रजिस्ट्रेशन के लिए 33,000 और सेमी कंडक्टर IC लेआउट डिज़ाइन है वो भी आप पेटेंट कर सकते हो, उसका भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके लिए आपको 50,000 तक एक IP रजिस्टर करने के लिए मिल सकते हैं। सो दीज आर वेरियस सपोर्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट्स एज वेल एज मेंटरिंग सपोर्ट्स विल गेट अंडर दिस स्कीम। तो बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आप जो डिज़ाइन इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, आप जो SSIP की वेबसाइट है उसमें माइंड टू मार्केट चैलेंज M2M चैलेंजेस है उसमें से आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा के उसके लिए अगर आपको वर्क करना है देन ऑल्सो यू विल गेट दी फाइनेंशियल एज वेल एज मेंटरिंग सपोर्ट एट आवर इंस्टीट्यूट।
और जो हैकेथन अभी आने वाला है 31 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी आपको अगर कोई प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलप करना है उसके लिए भी आप फाइनेंशियल और मेंटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो आई विश ऑल ऑफ यू हैव गॉट द आइडिया व्हाट इज़ स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी एंड व्हाट आर वेरियस प्रोविजंस इन द स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी एंड हाउ यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पॉलिसी. So now if you have any query regarding this, you can ask.